जब से देश में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से सरकार को कई सारे काम अपने पोस्टपोन करने पड़े हैं। इसी तरह से कई सारे एग्जाम्स थे जो कि पोस्टपोन करने पड़े और कई सारे एग्जाम्स ऐसे हुए भी जो कि पोस्टपोन नहीं हुए, लेकिन उनकी जो हालत थी वो उससे देखकर कई सारे आगे के जो एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन किए गए क्योंकि उनमें बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंस को फॉलो नहीं किया गया था और ऐसे में जो कोरोना वायरस है उसके केसेस और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इसी तरह दो एग्ज़ाम्स थे JEE और NEET, ये इंजीनियरिंग और मेडिकल्स के एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि हर साल मई में होते हैं और इस बार भी ये मई में ही होने थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इन एग्ज़ाम्स की डेट को आगे बढ़ाना पड़ा। अब आगे बढ़ाने के बाद अब ये एग्ज़ाम्स होने थे, लेकिन अब एग्ज़ाम्स आने के बाद जैसे कि आप जानते ही होंगे कि कोरोना वायरस के केसेस अब भी कितने बढ़ गए हैं और अभी भी बहुत सारा रिस्क लगा हुआ है कि कोरोना वायरस के केसेस अगर स्टूडेंट्स उन एग्ज़ाम्स हॉल्स में जाते हैं एग्ज़ाम्स देने के लिए तो उन्हें ये बीमारी लग सकती है। तो ऐसे में ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया कि वो एग्ज़ाम्स को डेट को ना तो पोस्टपोन करेंगे और ना ही वो कैंसिल करेंगे और लाइफ जो है वो बिल्कुल ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। कोरोना वायरस की वजह से कोई भी फैसला या कोई भी काम नहीं रुकना चाहिए। तभी से जो स्टूडेंट थे वो पूरे के पूरे देश में ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये एग्ज़ाम्स कैंसिल होने चाहिए क्योंकि इससे उन्हें काफ़ी सारा खतरा बना हुआ है, क्योंकि जिस एज में स्टूडेंट्स इस वक्त हैं उस एज में भले ही उन्हें इस वायरस से लगने से ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके घर में जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं उसकी वजह से उन लोगों को अगर उनकी वजह से ये बीमारी लग गई तो ये उनके लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है। इसके अलावा जो लॉकडाउन लगा हुआ है तो कई सारे ट्रांसपोर्टेशन जो हैं वो बंद हैं, जैसे कि रेल बंद है, ट्रेन बंद है और लॉकडाउन की वजह से बसेस बंद हैं और कई सारी टैक्सीज बंद हैं, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचेंगे कैसे? तो इन्हीं सब बातों को लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारी जो एग्ज़ाम्स डेट है वो या तो आगे बढ़ाए या फिर इनको कैंसिल करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बिल्कुल जाहिर कर दी है कि ये एग्ज़ाम्स जो होने हैं वो आपके अगस्त में या सितंबर में हो जाने चाहिए, लेकिन इन लोगों का जो स्टूडेंट्स है वो उनका प्रोटेस्ट अभी तक चल रहा है और इसी में और बहुत कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं। कई सारे कांग्रेस के कई सारे लीडर्स हैं, शिवसेना के, महाराष्ट्र के पार्टी के कई सारे लीडर्स हैं जिन्होंने पीएम मोदी को कई सारे लेटर्स लिख के ये रिक्वेस्ट की है कि इन एग्ज़ाम्स को या तो कैंसिल कर देना चाहिए या फिर इन्हें पोस्टपोन कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक कहीं से भी कोई इस तरह का कोई जवाब नहीं आया कि ये एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं या फिर पोस्टपोन हो गए हैं। लेकिन अभी एक न्यूज़ आ रही है और जैसे कि आप ग्रेटा थनबर्ग के बारे में आप पहले से ही जानते होंगे, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और ग्लोबल आइकन हैं, पूरी दुनिया में इनको लोग जानते हैं। तो इन्होंने भी अब एक ट्वीट किया है इंडियन स्टूडेंट्स के फेवर में और इस ट्वीट्स में वो कहती हैं, इट्स डीपली अनफेयर दैट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया आर आस्क्ड टू सिट नेशनल एग्जाम्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक एंड वाइल मिलियंस हैव आल्सो बीन इंपैक्टेड बाय द एक्सट्रीम फ्लड्स, आई स्टैंड विद देयर कॉल टू पोस्टपोन JEE नीट इन कोविड। सो इस ट्वीट के अंदर भी वो यही कह रही हैं कि जब कोरोना वायरस के केसेस, कोविड-19 के केसेस इंडिया के अंदर इतने बढ़ चुके हैं और उससे कई सारे एग्ज़ाम में अगर स्टूडेंट जाते हैं तो वो अफेक्टेड हो सकते हैं, तो जो प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो उनके साथ हैं, क्योंकि ये ग्रेटा थनबर्ग जो हैं ये हैं एक ग्लोबल आइकन, तो अब ग्लोबल आइकन है, अब उन्होंने ये मुद्दा उठाया है तो हो सकता है कि अब और सारी फॉरेन मीडिया भी इसको लेकर चले, तो कुछ वक्त के बाद आपको BBC न्यूज़, न्यूयॉर्क टाइम्स या और भी बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स पर भी ये खबर देखने को मिल सकती है। तो अभी ये नेशनल मुद्दा नहीं है, अब ये इंटरनेशनल मुद्दा बनने जा रहा है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की या सरकार की तरफ से इसके बारे में क्या रिप्लाई आता है। अगर कोई भी रिप्लाई इसके बारे में अगर आता है तो मैं आपको अपडेट रखूंगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।